हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट में फाइल सेंड करना चाहते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो, तो कैसे सेंड करेंगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते रहिए। पहला स्टेप आपको ये करना है कि व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद जो भी चैट है जिसको आप सेंड करना चाहते हो फाइल, उस चैट को आपने ओपन करना है। मैंने यहाँ पे एक फाइल सेंड की है, इस तरीके से आप भी फाइल सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये एंड्रॉयड का फ़ोन है तो एंड्रॉयड के फ़ोन में यहाँ पे एक क्लिप बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको टैप करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, या मैं यहाँ पे ब्राउज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास फाइल है। जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है, इसको मैं एज अ डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आ चुका है ये स्क्रीनशॉट, यहाँ पे इसका साइज़ भी लिखा है। अब हमें यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट की शेप में यहाँ पे व्हाट्सएप में चला गया, सेंड हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी सेंड कर सकते हो किसी भी बंदे को व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।